ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जीव को, जब कोई ऐसी विपत्ति आपत्ति आ जाए उस समय क्या करें। राजा प्रक्षत ने कहा कि अब और मैं ज्यादा जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे मन में बहुत बड़ी ग्लानि है। मैं सभी की सेवा करने वाला गौ सेवक, ब्राह्मण सेवक, संत सेवक, और आज मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, मुझे अपने आप से ही नफरत हो गई है, इसलिए मैं आपसे समाधान चाहता हूं कि मुझे बताइए। तब आदरणीय सुखदेव ने कहा, राजन सुनिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा कि भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्य स्मृतव्य चता भया। राजन, जिसको सात ही दिन में मरने का साप मिला है, ऐसे जीव को अगर वो अभय पद चाहता है, अभय पद की प्राप्ति करना चाहता है और अपराधों से मुक्त होना चाहता है, तो केवल केवल श्रोतव्य स्मृतव्यस्य कीर्तितव्यस्य, केवल वो भगवान की कथा का श्रवण करें, केवल कीर्तन करें, भजन करें, भगवान का दर्शन करें, स्पर्श करें, यात्रा करें, तीर्थ करें, दान करें, पुण्य करें, तो व्यक्ति अपने अपराधों से मुक्त हो जाता है। जन्म जन्मों के अपराधों को नष्ट करने वाला है भगवान का वो पवित्र नाम, भगवान की ये पावन कथा। और जीव के पास कुछ साधन नहीं है, धन चाहे तुम कितना भी कमा लो, जितना धन कमाओगे उतनी ही टेंशन बढ़ती जाएगी, चाहे रुपयों के नोटों के बिस्तरों पर सो जाना, लेकिन नींद कहां से लाओगे, नींद की गोली भी खा खा करके नींद नहीं आती, नोटों से नींद आएगी नहीं। मन जब तक सहज नहीं बनेगा, मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा, मन जब तक निर्मल नहीं बनेगा तब तक ना नींद आएगी, न मन में शांति आएगी, और ना ही ये तन निरोग बनेगा। तन को निरोग करने वाला, मन को शांत करने वाला और अपनी कृपा बरसाने वाला, मन को सहज आनंद से भरने वाला, वो है प्रभु का सत्संग, वो है भगवान की कथा। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, अब भी तृष्णा अड़ी रही। ये तृष्णा मरती नहीं है, ये तृष्णा बढ़ती ही जाती है। जिमें प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जहां जब ज्यादा धन माया बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, व्यक्ति लोभी होता है। एक बार एक बूढ़े बाबा थे, जवानी में बहुत पैसा कमाया था, बहुत धन कमाया, धन की कोई कमी नहीं थी, चार बेटे थे, अब चारों बेटों का विवाह कर दिया, विवाह के पश्चात में ज्यादा धन था, भगवान का भजन किया नहीं था, क्योंकि कुंती ने भगवान से सुख क्यों नहीं मांगा, धन मांगते, दौलत मांगते, बीमारी आती, परेशानी आती, अड़चने आती, प्रभु मुझे केवल गरीबी चाहिए, क्योंकि गरीबी में तेरा स्मरण बना रहता है। तो बुढ़ऊ बाबा ने भजन तो किया नहीं था, बड़े जवाने में खूब कमाया और बुढ़ापे में बीमार हो गया। जब बीमार हो जाए तो फिर चार चार बेटे भी नहीं पूछते, चार बेटे हों चाहे दस बेटे हों चाहे बारह बेटे हों, चाहे खूब बड़ा कुटुंब कबीला हो, परिवार हो, बीमार हो गए कोई नहीं पूछता, सब अपने अपने काम में मस्त और व्यस्त हो गए। पिताजी पुकारने लगे, बेटा मुझे भूख लगी है,
कुछ रोटी ले आओ। बेटा सुनते नहीं, पिताजी सुनते, अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं, अभी ला रहे हैं। बेटे अपने कामों में लगे हुए हैं। बहुओं से कहा, बेटा तुम ही सुन लो, मैं चला चल नहीं सकता, असमर्थ हूं, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, खाने को कुछ ले आओ। बहुएं कहते हैं, पिताजी अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई, थोड़ा सा काम रह गया है, इस काम को करके लाऊंगी। कहते 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 जवान लड़खड़ा गई, कंठ सूख गया, न पानी पीने को मिला, न रोटी खाने को मिली, तड़पने लगा, बिलगने लगा। उसी समय नजर पहुंच गई आंगन में, जिस जगह खाट पड़ी थी, लेटा हुआ था, उस समय वहां गौशाला थी। गौशाला में नजर पड़ी कि गौशाला में एक बछड़ा एक सोहनी को, झाड़ू को चबा रहा था। नजर पड़ गई झाड़ू पर, अब तो बार बार इशारे करे, बोले, घबराए, परेशान हुए, तो छोटी बहू आई, पिताजी क्या हुआ? तो बोला जाता नहीं था, इशारे कर रहा था, इशारे समझ नहीं पाई, अपने पति को बुला के लाई, देखो पिताजी कुछ आज इशारा कर रहे हैं, हम सबसे छोटे हैं, बड़ों को छोड़ दो, चुपचाप हमें बता जाएंगे, कहीं कुछ रखा होगा, जाने वाले हैं शायद, ऐसा लगता है। उस समय भी जीव स्वार्थी अपना स्वार्थ खोजता है, पिताजी तो अब जाने वाले हैं, सब कुछ तो माल ताल हमारा ही है, जाने दो। छोटी बहू ने सोचा, विचार करो कि ऐसा कोई डॉक्टर बुला करके लाओ, ताकि इनकी नब्ज देखे, ये पता चल जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। बहू के कहने से पति ने उसके ने कहा, ठीक है अभी जाता हूं। एक डॉक्टर को बुला करके ले आया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को बहुत घबराहट हो रही है, कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन निर्वस हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, बोलने की गारंटी मेरी है, एक सेकंड बोल जाएंगे, लेकिन वो इंजेक्शन बहुत महंगा है। बोले कुछ भी हो, बोले कितने का है? 5 लाख का इंजेक्शन है, एक लगाएंगे, एक क्षण बोलेंगे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। तो बेटा और बहू ने सोचा कि हो सकता है हमें 1 करोड़ बचा बता जाएं, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, चलेगा, लगाओ जी डॉक्टर, इंजेक्शन लगाओ डॉक्टर साहब। इंजेक्शन लगा दिया, एक क्षण बोलने की शक्ति आई, और कहा, अरे नालायक हो, मैंने कितनी परिश्रम से ये धन कमाया था, मैंने कमाया था, और तुमको बिल्कुल भी सहूर नहीं है, देखो सामने, सामने देखो, बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है, और ये कह करके चले गए। बहू और बेटा रोने लगे, जाते जाते 5 लाख का चूना लगा गई पिताजी, बताया तो दूर लेकिन लगा गए चूना 5 लाख का मरते समय। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति की जो आसक्ति है वो मरणासन अवस्था में भी नहीं जाती, शरीर किसी का काम नहीं देता, ना कोई बोलने की शक्ति होती है, ना चलने की सामर्थ्य होती है, लेकिन आसक्ति बरकरार शरीर में बैठ जाती है, ये जाती नहीं है। राजा प्रेक्षित ने मन में विचार किया कि प्रभु का ही जब नाम मुझे पावन करने वाला है तो मैं यहां कथा सुनूं, आग्रह करने लगा, हे प्रभु आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा 7 दिन में मेरा मोक्ष मिल जाए। और एक भीतर की बात बताऊं आपको, परीक्षित कोई और नहीं है, परीक्षित हम आप सभी हैं। 7 दिन में ही आए, 7 दिन में ही, 7 दिनों में ही जाना है, ऐसा कोई बार नहीं है जिस बार से अटक के हम आप लोग पैदा हुए हो, बताओ, संडे से लगा लो शनिवार तक,
इन्हीं बारों में हम जन्म लेकर के संसार में आए हैं, इन्हीं बारों में ही पधार जाएंगे, टाटा बाय बाय कर जाएंगे। तो सभी के लिए ये साधन बताया है। सात दिन में मरने का जो मुक्ति का मार्ग है वो भगवान की कथा ही तो है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।